कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा को हरियाणा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता, साथ साथ चुनाव प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद ने इसकी घोषणा की। शैलजा की नियुक्ति के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबाव माना जा रहा है। हुड्डा और पार्टी अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। हुड्डा चाहते थे कि तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उनकी पार्टी का जिम्मा दे। अब पार्टी ने उन्हें इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाकर चुनाव की कमान सौंप दी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में हुड्डा की भूमिका निर्णायक होगी। 18 अगस्त को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में रैली की थी। इस रैली में हुड्डा ने कहा था कि मौजूदा कांग्रेस अब पहले की तरह नहीं रह गई है, इसलिए वे सभी चंद बंधन तोड़कर रैली में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, इसका निर्णय 36 सदस्यों की कमेटी करेगी। रैली के बाद अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हुड्डा से दिल्ली की बात कही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कुमारी शैलजा क्या अब हरियाणा की मुख्यमंत्री बन पाएंगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी चुनावी रैली के दौरान कहते नजर आते हैं कि अब की बार 75 पार। तो देखने वाली बात ये होगी क्या सरकार किसकी बनती है, कांग्रेस या फिर से एक बार भाजपा की सरकार। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN 9 न्यूज़ पर। हर्ष की रिपोर्ट।